हरिओम हरिओम आज मैं लाइव उपस्थित हुआ हूँ आप सबके अनुरोध पे। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं महर्षि बद्री विशाल योगी ब्रह्म ऋषि आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमरम परमेश्वर को, ईश्वर को मैं प्रेम सहित हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। सीताराम 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 सीताराम, श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान पे कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और कैसे जीव ब्रह्म ज्ञान को पाके अपना जीवन सफल करे, मनुष्य योनि में जन्म होने का जीवन सफल करे। कैसे जीव इस ब्रह्म ज्ञान को पाके परमात्मा के दर्शन करे, इस मनुष्य जीवन को सफल करे, आगे की यात्रा सुगम करे, इसी पे आज लाइव की चर्चा होगी। आप कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। कैसे हम ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जीवन को सफल कर सकते हैं, जीवन की यात्रा सफल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना यह बेशकीमती जीवन अपने कर्म बंधनों को काटने में, अपने कर्म बंधनों को काटने में लगा सकते हैं, इस मनुष्य रूपी यंत्र से किस प्रकार हम कर्म बंधन काट सकते हैं। हम भूल गए हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, हमारे भीतर परब्रह्म परमेश्वर का, ईश्वर का वो ज्योति विराजमान है, जिस ज्योति से प्रत्येक कार्य हो रहा है, प्रत्येक के कार्य प्रकृति का हो रहा है। प्रकृति जड़ है और जीव परमेश्वर का अंश चेतन है, दोनों का मिलन ही से ही ये कार्य होता है। मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सभी को ये याद दिलाने के लिए कि मनुष्य योनि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मिली हुई है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मिली हुई है। कदापि इसको भूले ना, संसारी मोहमाया में बिल्कुल भी फंस के इस मनुष्य योनि को नष्ट ना करें। हमें याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा, हमें मृत्यु को भूलना नहीं है, हमें मृत्यु को याद रखना है कि मृत्यु एक ना एक दिन आएगी, मृत्यु अटल है, मृत्यु ही सत्य है, बाकी जो ये जीवन है ये मध्य में है, ये समस्त परमाणु समस्त प्रकृति एक मध्य में है, मध्य में है, ना ये था ना पहले था ना आगे होगा, सिर्फ मध्य में है, एक पानी के बुलबुले की तरह। जिस प्रकार पानी का बुलबुला समुद्र में उठता है, पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में थोड़ी देर के लिए आया और ख़त्म हो गया, उसी प्रकार ये जीवन है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा तभी हम ब्रह्म ज्ञान को समझ सकते हैं। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ। प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य इसको ध्यान से सुने, ध्यान इस पे ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो उपदेश है एक एक वाक्य आपका जीवन बदल सकता है, एक एक वाक्य आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है, आपका जीवन नवनिर्वाण को पा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, जिस ज्ञान को पाने के बाद और कोई ज्ञान शेष नहीं रहता, ये हमारे प्रत्येक वेदों ने कहा है, प्रत्येक शास्त्रों ने कहा है, प्रत्येक
बुद्ध जीवों ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। हे धनंजय, धनंजय कौन? भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में क्या कहा? हे धनंजय, कौन है वो धनंजय? किसको धनंजय कह रहे हैं? क्या अर्जुन को धनंजय कह रहे हैं? बिल्कुल, उनका धनंजय कहने का दो अर्थ होता है। धनंजय यानी कि हमारा धनंजय प्राण, धनंजय यानी कि हमारा धनंजय प्राण, हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, परमेश्वर है, जो स्वयं परमात्मा है, वो कहती है हे धनंजय, यानी इस प्राण से बात करती है, हे धनंजय मोक्ष मुक्ति को नहीं भूलना, ये मनुष्योनि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के लिए ही मिली है, ब्रह्म ज्ञान के लिए मिली है। जब हमने इस चीज़ को रूपांतरित किया, इस चीज़ पे शोध किया, विज्ञान की तरीके से शोध किया, विज्ञान को सम्मिलित लेके शोध किया, तो हमने जाना कि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है। श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है, हे धनंजय मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी कि धनंजय, धनंजय का मतलब होता है धनंजय प्राण, धनंजय प्राण जो हमारे शरीर में पंच प्राण विराजमान है, सप्त शरीर विराजमान है, कितने अनेकों छोटे छोटे बड़े बड़े शेल विराजमान है, वो सभी ये बातें सुने, वो सभी ये बातें देखें, वो सभी ये बातें महसूस करें कि मैं किस चीज़ का उपदेश कर रहा हूँ। ये उपदेश बहुत ही बहुमूल्य है, आपको किसी भी किताबों में प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको ब्रह्म मुख से, ब्राह्मण मुख से, महर्षि मुख से, ऋषि मुख से ये उपदेश दे रहा हूँ, ये उपदेश दे रहा हूँ। इस उपदेश को प्रत्येक जीव ग्रहण करे, प्रत्येक जीव ग्रहण करे, प्रत्येक जीव ग्रहण करे, प्रत्येक जीव ग्रहण करे। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, जो मैं समस्त विश्व में वैश्विक स्वरूप से पहुंचा रहा हूं। समस्त विश्व में ये ज्ञान पहुंच रहा है, काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, देश विदेश के, भारत से ही नहीं, कई कई देशों से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, और इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश वो ग्रहण कर रहे हैं अपनी भाव से, अपने विचार से। भाषा की कटुता हो सकती है, किंतु भाव तो प्रत्येक जीव का एक है, चींटी से लेके हाथी तक सब में वही भाव विचार उसी प्रकार से काम करता, जिस प्रकार चींटी में काम करती उसी प्रकार मनुष्य में काम करता, उसी प्रकार हाथी में काम करता है। इसलिए जब गज को मगर ने पकड़ा था, श्रीमद् भागवत में कथा है, तब गज ने अपने भाव दशा से गोविंद गोविंद पुकारा था, नारायण नारायण पुकारा था, और गोविंद नारायण श्री हरि विष्णु वहाँ उपस्थित हो गए थे। कैसे पुकारा था? अपने भाव से, अपने भाव शरीर से, अपने मन से, विचार से भाव केंद्रित करके उसने उस परमात्मा को पुकारा था, वो परमात्मा वहाँ उपस्थित हो गए थे। ये हमें जानना होगा, इसको अच्छी तरह समझना होगा, तभी आगे मोक्ष और मुक्ति की राह सुलभ हो सकती है, सही हो सकती है। मैं उपस्थित हुआ हूँ इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के लिए उपस्थित हुआ हूँ, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, उस ज्ञान को मैं देना चाहता हूँ, समस्त विश्व में देना चाहता हूँ, मैं दे भी रहा हूँ। कई लोग, कई जीव, कई आत्माएं मुझसे मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, वो ज्ञान को प्राप्त कर रही हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो उसको ग्रहण कर रही हैं और आगे भी उसको शेयर कर रही हैं। मेरा फेसबुक पे आने का एक ही मतलब है, ब्रह्म ज्ञान प्रत्येक जीव को प्राप्त हो, प्रत्येक जीव उस ब्रह्म ज्ञान को पाके सुखी हो जाए, खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, शांतिमय हो जाए। इसी ब्रह्म ज्ञान से विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगी, समस्त जीवों का भला होगा, एक सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से
स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर स्वयं को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। किंतु स्वयं को स्वयं से कैसे जानोगे जब तक कोई गुरु आपको बताने वाला नहीं होगा। ये किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ। किताबी ज्ञान तो पढ़ के आप रट सकते हो तोते की तरह, किंतु ब्रह्म ज्ञान आत्मा से निकलता है, आत्मा में महसूस होता है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, इसको आत्मा से ग्रहण करना पड़ता है, इसको भाव से ग्रहण करना पड़ता है, इसको आनंद से ग्रहण करना पड़ता है, इसे श्रद्धा शबरी से ग्रहण करना पड़ता है, इसको इस ब्रह्म ज्ञान को विश्वास से ग्रहण करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर से ग्रहण करना पड़ता है, मनोमय शरीर से ग्रहण करना पड़ता है, अन्नमय शरीर से ग्रहण नहीं करना पड़ता, मनोमय शरीर, आनंदमय शरीर, सूक्ष्म शरीर से ग्रहण करना पड़ता है, आत्मा से ग्रहण करना पड़ता है, अपने आत्मा, अपना विवेक, अपनी बुद्धि पर प्रकाशित करके इस ज्ञान को ग्रहण करना पड़ता है। यही ज्ञान समस्त विश्व में, समस्त विश्व को, लोगों को मैं देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ, जहाँ तक मैं सामर्थ्य हूँ मैं पहुँचा रहा हूँ। फेसबुक के माध्यम से लोग बाग जुड़ रहे हैं, इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ये महान ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा।